हिमाचल में अभी नहीं टला सियासी संकट का बादल। सीएम सुक्खू ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा यदि बीजेपी के पास से बहुमत तो परीक्षा पर। शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान, बागी विधायकों पर दिए फैसले को लेकर बोले पठानिया, कहा चाहकर भी नहीं पलट सकता फैसला। शिमला से बीजेपी विधायक विपिन परमार का बयान, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का बागी विधायकों को काले नाक कहना अमर्यादित। नालागढ़ में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बाबा का बयान, विधायक के एल ठाकुर पर विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा के एल ठाकुर ने नहीं दिया सरकार का साथ। और धर्मशाला में आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल की पहल, खेलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ाएंगे आगे, पर्यटन और खेल को जोड़कर आर्थिक सहयोग करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कल मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री कैबिनेट छोड़ करके विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए थे, जिसको लेकर हिमाचल की राजनीति में उफान आ गया था। वहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनको चाय पर बुलाया था, वे साधारण चाय पर चर्चा के लिए ही यहां पहुंचे थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की ही बातें होना वाजिब है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बार बार जो नाराजगी की बात की जा रही है, वे नाराजगी एक परिवार में साधारण बात है। जब हम एक परिवार में रहते हैं तो छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है। एक विधानसभा ने 5 बजे के करीब हमारे को चाय पर बुलाया था और 5 बजे के बाद हमारी कैबिनेट थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे हमारे पास चाय पीने आओ। तो मैंने बोला आप तो स्पीकर महोदय हैं, हम कैबिनेट करके आते हैं, कहते आप हमारे पास चाय पीने आधा घंटा आ जाते तो मैंने जाना है। तो हम सब लोग मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इनके पास कड़सी चाय पीने के लिए आए और हमने उनके साथ चाय पी। और जब राजनीतिक लोग बैठे होते तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। मैंने तो एक विधायक ने मुझसे बात की थी और कभी मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है, बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। 7 बजे भी मेरी बात हुई है, दोपहर 12 बजे भी बात हुई है और बातचीत करते रहते। अब नाराजगी तो देखिए, नाराजगी दो परिवारों में होती रहती है। हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में भी तो कई बार बातचीत होती है। नाराजगी कुछ नहीं है, उन्होंने सवेरे मुझसे बात की है और आज भी उन्होंने मुझसे दोपहर पर बात की है, सब ठीक है, कोई चिंता ना करिए, कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। वही शिमला में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जब एकाएक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट मीटिंग को स्थगित करके अपने मंत्रियों के साथ विधानसभा पहुंच गए। उनके इस अचानक मूवमेंट ने राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बढ़ा दी। लोग कयास लगाने लगे कि क्या सुक्खू सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। वही मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद कुलदीप सिंह पठानिया ने उन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि निष्कासित किए गए एमएलए में से 3 एमएलए वापस करना चाहते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से औपचारिक बातचीत में कहा कि अब तो वे खुद भी चाहें तो अपना फैसला वापस नहीं ले सकते। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, वे आगे कानून का सहारा ले सकते हैं। कर्सी कॉल थी, देवर हियर फॉर ए कर्सी कॉल, कोई विशेष चर्चा नहीं थी। उन्होंने कहा सर कि चाय पे बुलाया था आपने और थोड़ी राजनीतिक चर्चा, जब आएंगे तो चाय तो पिलाई जाएगी, थोड़ी राजनीतिक चर्चा की, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। और ये ना राजनीति का केंद्र है, यहाँ तो सिर्फ नियमों कानून के तहत कार्रवाई होती है। बागी विधायक सर, उन पर कल का फैसला हो चुका है, उस पर कोई डिस्कशन तो नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं। उनको ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनमें से 3 लोग हैं जो वापसी करना चाहते। मेरे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है, ना विधानसभा के सचिवालय के पास ना मेरे पास ऐसा कोई विषय आया है, ना ध्यानार्थ है। जब आएगा तो मीडिया से हम रूबरू होंगे और बताएंगे आपको। अभी जब ये विषय नहीं है हमारे सामने,
तो इस विषय पर चर्चा क्यों? सर, लुकिंग एट द टेक्निकल एस्पेक्ट, क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास लीगल ऑप्शंस हैं एंड व्हाट ऑप्शन दे? वो मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो अंदर जो कार्रवाई होती है वो उस जुडिशियल प्रीव्यू में नहीं आती है, और उसके बाद जो हमारे अधिकार हैं संवैधानिक, प्रशासनिक, कानूनन, वो जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल सिक्योरिटी। वहीं हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए रेवड़िया पार्टी जा रही है। वहीं विपिन परमार ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के चुने विधायकों के सहयोग से बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन की जीत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार हिल गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिना किसी दलील को सुने सदस्यता रद्द करने का फरमान जारी किया गया। सरकार को बचाने के लिए अब रेवड़िया बांटने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस अपनी डूबती नैया को पार लगाने में लगी हुई है। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया, और हिलने का कारण ये था कि कांग्रेस के विधायकों में, मंत्रियों में कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जो एक रोष है उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिली। आज हिमाचल प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं, हम धर्मशाला में क्या देख रहे हैं, हमीरपुर में क्या देख रहे हैं, कुल्लू में क्या देख रहे हैं, वहां पर ये जो विधायक हैं इनके पुतले फूंके जा रहे हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, अशांति जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उस अशांतिपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो इसके मुखिया। और वहीं नालागढ़ के निर्धारित विधायक केएल ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के साथ साथ नालागढ़ की जनता से भी विश्वासघात किया है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हरदीप बाबा ने नालागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केएल ठाकुर को नालागढ़ की जनता ने विकास के लिए चुना था। कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केएल ठाकुर ने बधाई दी थी, साथ ही कांग्रेस के सहयोग के सदस्य बन गए थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी की और विधायक को प्राथमिकता दी, उनके कहने से विकास के कार्य करवाए। यही नहीं, उन्होंने नगर परिषद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बजाय विधायक के समर्थकों को मनोनीत किया। लेकिन जब सरकार की परीक्षा की घड़ी आई तो सरकार और कांग्रेस पार्टी के साथ ही विश्वासघात करके बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाल दिया। जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और एमएलए जी खरीद फरोख करके सरकार नू अस्थिर करन दा जो लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत शर्मनाक है, और बीजेपी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस नू जो है अंजाम देने का प्रयास कर रही है, जिदे च सानू दुख है कि नालागढ़ का जो इंडिपेंडेंट विधायक सीगा और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार च एसोसिएट सीगा उन्हें भी एक बहुत बड़ा जड़ा है एक शर्मनाक हरकत करके और ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग जो है खुद इन्वॉल्व हो गया, और उन्हें जिथे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नु राज्यसभा उम्मीदवार नु क्रॉस वोटिंग करके हराने का काम किया उसके नाल नाल सरकार का जो बजट सीगा उस बजट नु भी डैमेज करने का प्रयास किया, उस बजट नु जो है डिफाई किया। वहीं सिरमौर में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। सास जहां इलाके में ठंड बढ़ गई है, वहीं इसे पहाड़ी क्षेत्रों में नकदी फसलों के लिए जो है बहुत लाभप्रद माना जा रहा है। जिले के पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लहसुन, मटर और चने सहित गेहूं की फसल लगी है, और बारिश होने से इन फसलों को जहां भरपूर सिंचाई मिल रही है वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। इसके अलावा भी कई इलाकों में इस समय बगीचों में पौधारोपण भी किया जा रहा है, जिसके लिए भी वर्षा अच्छी साबित होगी। वहीं किसानों ने यह बताया कि इस समय वर्षा की बहुत जरूरत थी और अच्छी बारिश होने से फसल अच्छी होने की उम्मीद जगी है।
ये बारिश बहुत ही अच्छी साबित हुई है, बहुत ही अच्छा हुआ है फसलों के लिए, नकदी फसल के लिए, जैसे लहसुन है और कई नकदी फसलें हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी जो है भगवान ने एक तोहफा दिया है, तो इससे बहुत ही अच्छा किसानों में माहौल बना हुआ है और बहुत ही अच्छी बारिश आई है। हर किसान जो है खुश है इस बारिश से, हर चीज़ की वो। वहीं IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को खेलों के माध्यम से और अधिक आगे ले जाने की बात कही है। वहीं धर्मशाला में उन्होंने कहा कि पर्यटन और खेलों को जोड़कर प्रदेश की आर्थिकी को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इस कड़ी में अब एडवेंचर और आउटडोर स्पोर्ट्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ अरुण धूमल ने कहा कि सीजन IPL मैचों के साथ ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में दूसरे चरण में धर्मशाला स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा मैच लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही भारत और इंग्लैंड के धर्मशाला में होने वाले अंतिम मैच को लेकर के भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही यहां पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से, अगर हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो जितने भी लोग इस इकोसिस्टम में काम करते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो करना चाहते हैं और उनका गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, कैसे वो पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहते हैं, उसके बारे में डेलिब्रेशन होगी और मैं मानता हूँ इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो भी इसमें डेलिब्रेशन में निकल के आएगा वो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, पॉलिसी मेकिंग में उसका सबको फायदा रहेगा। मैं मानता हूँ जिस तरीके के एक्सपोजर धर्मशाला को वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान हुआ और अब टेस्ट मैच यहाँ होने जा रहा है, पूरा विश्व वर्ल्ड के जो सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम है उसमें मैच होता देखेगा, बड़ा अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन बना है। इसलिए मैं मानता हूँ जितने भी टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट्स यहाँ आए हैं वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएंगे और धर्मशाला में टूरिज्म की गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।